नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई सिक्योरिटी में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सीपी प्लस का एक कैमरा जो वाईफाई है, वायरलेस है, और सीपी प्लस ने लॉन्च किया है। काफ़ी बेहतर मुझे लगा, इसलिए मैं आप सभी को इसके बारे में बताने वाला हूं और देखते हैं कि इसके पहले लुक के हिसाब से मुझे जो पसंद आया क्या स्पेसिफिकेशन है और ये आपके लिए बेहतर है या नहीं है, आप इसे परचेस करें या नहीं करें, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। इसका मॉडल नंबर है CP V21। काफ़ी बेहतर कैमरा मुझे लगा पहले नज़र में और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सीपी प्लस एक काफ़ी बेहतर कंपनी है। मैं बार हिकविजन का वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं हिकविजन का ज़्यादा काम करता हूँ, सीपी प्लस का थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन सीपी प्लस को मैंने यूज़ किया है। अब बेहतर कैमरा है सीपी प्लस हिकविजन बस प्रोडक्ट रेंज में, और थोड़ा सा प्लस क्वालिटी है हिकविजन के पास, इस कारण से हिकविजन टॉप में आता है। और मैं अगर टॉप 3 ब्रांड के बारे में बात करूं तो हिकविजन, सीपी प्लस और डवा, ये तीनों टॉप ब्रांड है। सर्विस भी काफ़ी बढ़िया, सर्विस मामले में सीपी प्लस को मैं अच्छा समझता हूँ और सर्विस भी काफ़ी अच्छी मिलती है, इसलिए मैं सीपी प्लस को जो है सर्विस के मामले में एक विजन से थोड़ा सा प्लस में मानता हूँ। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आउटडोर बुलेट कैमरा है और वाईफाई कैमरा है और सीपी प्लस का है, लुक भी काफ़ी अच्छा है। सीपी प्लस ने एक अच्छा इनोवेशन किया है और आप सभी का डिमांड भी था कि ऐसे वीडियो का बनाएं जिसमें कि सीपी प्लस कैमरे के बारे में भी आप थोड़ा बताएं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पूर्व मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ आपके कॉमेंट के हिसाब से मैंने जो भी वीडियो बनाया है प्लीज़ थोड़ा सा रिप्लाई भी जरूर कीजिए, बताइए कि वो वीडियो आपको कैसा लगा, क्या वो आपकी ज़रूरतों को फुलफिल करता है या नहीं करता है। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था पिछला वीडियो जिसमें कि सारे कैमरे अगर आपके हाइट हो जाते हैं कनेक्ट ऐप में तो आप उसे अनहाइट कैसे करते हैं, काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो मैंने वीडियो बनाया। तो इस तरह के जो वीडियो मैं बनाता हूं जो कि आपके कमेंट पर आधारित होता है, प्लीज़ बताएं कि क्या वो वीडियो आपके ज़रूरतों को सॉल्व कर पाया या नहीं कर पाया, आपके ज़रूरतों को वो पूरा कर पाया या नहीं कर पाया, आपने जो पूछा था आपके सवाल का आंसर मैंने दे पाया या नहीं दे पाया। अगर नहीं दे पाया तो वो भी मुझे बताएं, मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगा, मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवालों के अनुसार वीडियो में बना सकूं। तो दोस्तों तो जरूर इनकरेज मुझे मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज़ ज़रूर ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सीपी प्लस का ये कैमरा V21 काफ़ी बढ़िया मुझे लगा लुक से। 2 मेगापिक्सल का फुल HD कैमरा है, वायरलेस कैमरा है, क्लाउड कैमरा लिखते हैं मगर वायरलेस कैमरा है, वायरलेस है। इसमें सिर्फ आपको पावर देने होंगे, अब 5 वोल्ट का जो है 1 एम्पीयर के आसपास का जो इसमें एडेप्टर आता है वो पावर आपको देने होंगे और आसानी से जो है ये लिंकअप हो जाएगा आपके स्मार्टफोन से। वेदर प्रूफ है, आउटडोर में आप चूँकि बुलेट है तो वेदर प्रूफ होना काफ़ी ज़रूरी है, और वेदर प्रूफ है। IP65 की रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छा है वाईफाई कैमरे के नज़रिए से। 2-way कम्युनिकेशन है, 2-way कम्युनिकेशन में एक सबसे अच्छा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आप अगर आउटडोर में आप दरवाजे के बाहर, अपार्टमेंट हो या कहीं भी जो है, आप दरवाजे के बाहर आप कैमरे को लगाते हैं और वाईफाई है, वायर का टेंशन नहीं, एक ही कैमरा आपने बाहर में लगाया जो कि ये बताता है कि कौन आया कौन गया और बाकी नीड आपको नहीं है, तो वहाँ पर यह कैमरा जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। एक प्लस पॉइंट आपके लिए क्या हो जाता है कि 2-way कम्युनिकेशन अगर बाहर में कोई आता है और अगर आप अंदर में हैं और कोई अगर घर में बड़े नहीं हैं, बच्चे वगैरह हैं, तो वो अंदर से वो जो जवाब भी उन्हें दे सकते हैं कि घर में कोई नहीं है, बाद में आइए, या आप उनसे 2-way टॉक कर सकते हैं, क्या वो उनसे आप शाम में आने के लिए कहिए, या फिर महिलाएं वगैरह हैं या उनके हस्बैंड से कोई मिलने आया तो आप कह सकते हैं कि आप 2 दिन बाद आइए, वो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं हमारे हस्बैंड, तो वो तभी आएंगे, तभी आप मिलिएगा। तो ये सारी बातें जो है 2-way कम्युनिकेशन से हो जाएंगे, तो ये प्लस पॉइंट है। लगभग सारे वाईफाई कैमरे में 2-way कम्युनिकेशन मिलता है, इसलिए कोई ऐसा ये इसमें कुछ अलग से नहीं है, लेकिन आउटडोर में है बुलेट है तो ये मुझे अच्छा लगा। स्मार्ट इंफ्रारेड है, ये काफ़ी अलग है दूसरों से, क्योंकि बाकी में आप देखते होंगे कि इंफ्रारेड एलईडीज वाले मैटर पे जो है मैंने एक वीडियो बनाया था कि XIR और इंफ्रारेड एलईडीज जो है इस सब में क्या डिफरेंस होता है, एक आई बटन में दे दूंगा, देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपको यह समझ में जरूर आ जाएगा कि एलईडीज में जो है क्या प्रॉब्लम आता है, डस्ट वगैरह आता था तो क्या प्रॉब्लम आता था और पिक्चर क्वालिटी क्लियर क्यों नहीं आती थी, दिखता तो था सब कुछ मगर चेहरा नहीं क्यों नहीं दिखता था। इस कारण से स्मार्ट IR एरेज एलईडीज भी बीच में आए, XIR आए, स्मार्ट IR अब आ रहे हैं, तो ये सारे टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी बेहतर है और अब बाहर के लिए ये जरूरी है ताकि वो क्लियर नाइट विजन पिक्चर को ले सके। जिसमें दिया हुआ है कि 30 मीटर्स क्लियर नाइट विजन आपको मिलेगा, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 15 मीटर ही समझें, 15 मीटर से ज़्यादा नहीं समझें। ओवरऑल तो देखिए 50 मीटर 100 मीटर भी दिख जाता है कैमरे में, मगर पिक्चर ही नहीं देखा कौन आया तो क्या फ़ायदा। इसलिए अब मेरा ये मानना है कि आप 15 मीटर समझ के चलें तो फिर ये कैमरा काफ़ी बेहतर है। Ezykam ऐप से जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं, Ezykam ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, काफ़ी आसान होता है, कस्टमर केयर भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो आपको फ़ोन पर भी समझा देंगे कैसे इंस्टॉल होगा, ये इतना बेहतर
बेहतर है, 80 प्लस का सर्विस, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। और अगर लोकल में आप कनेक्ट करते हैं, आप नहीं चाहते कि यार कोई इंटरनेट वगैरह कनेक्शन हो, तो आप लोकल में इसका जो वाईफाई लिंक है उससे आप कनेक्ट कर लीजिए और इसी के मैं आपसे जो है आपको ओपन कर लीजिए, आपको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है तो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। 64 GB SD कार्ड सपोर्ट करता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये कम से कम 128 GB होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो पिक्चर क्वालिटी वगैरह हैं और जो अपग्रेड हो रहे हैं, अगर फर्मवेयर अपग्रेड करके इसमें इन फ्यूचर CV+ वाले जो है 128 GB SD कार्ड सपोर्ट करने वाला सिस्टम इसमें अवेलेबल करवा दे सॉफ्टवेयर के फर्मवेयर अपग्रेड के थ्रू, तो काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन 64 GB भी बढ़िया है। 3.6 mm का लेंस है, ये वीडियो मैंने एक बनाया था, आप जरूर देख लीजिएगा कि कितने mm लेंस से कितना पिक्चर जो है वो सामने करता है और कितना वाइड एंगल कैमरा ले पाता है, ये सारी चीजें मैंने बताया था। और ये 3.6 mm तो लगभग 80-90 डिग्री जो है आसानी से वो पिक्चर को ले पाएगी ये कैमरा, इसलिए आप बाहर के लिए ये बेस्ट मैं समझता हूँ। प्राइस के बारे में अगर आप बताऊँ तो 2999 का प्राइस है, और अभी का ये ऑफर प्राइस है, दीपावली में आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर आप परचेज कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और CV+ से आपको प्यार है और इसका ब्रांड आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज कर सकते हैं। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप एक्सिस बैंक या सिटी बैंक वगैरह के कार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल, चूँकि 3000 से ऊपर में ये डिस्काउंट मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो आप आसान से, जो 500 से प्लस परचेजिंग में अगर रुपए कार्ड आपके पास है, चूँकि सबके पास रहता है, तो रुपए कार्ड आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 10% लगने की, इसका प्राइस लगभग 2700 के आसपास हो जाएगा। और अगर आप पहला ऑर्डर दे रहे हैं तो फ्री होम डिलीवरी भी है, कोई चार्जेस भी नहीं है, और अभी चूँकि ऑफर में लगभग मैक्सिमम प्रोडक्ट में फ्री होम डिलीवरी भी मिल रहे हैं, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी अगर आप अभी परचेज करते हैं दीपावली के ऑफर में तो, धनतेरस के ऑफर में तो। लेकिन ऑफलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी ये अवेलेबल है, और मुझे बेहतर लगा CV+ ने कुछ नया इनोवेशन किया, और इस तरह के स्मार्ट IR वगैरह इस तरह नया इनोवेशन करना जरूरी है, तभी वो हिकविजन के Ezviz ब्रांड को टक्कर दे पाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।